जी देखिए जी, ये समंदर का किनारा है और ये बहुत बड़ी बड़ी नौका नाव किस तरह से ढक दी गई हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाव है, देखिए देखिए डॉगी भाग रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाव है। इस तरफ भी नाव है, देखिए ये है जंगल। ऐसे सब नाव समंदर के किनारे ढक के रखी गई हैं। देखते जाइए, बहुत बड़ा एरिया है, कितनी बड़ी नाव है। इधर भी देखो, देखिए पूरी तरह से सुरक्षित करके रख दिया गया है। देखिए आपको और अंदर की तरफ ले चलता हूँ, और भी नाव से आपको रूबरू कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ समंदर का किनारा। देखिए समुद्र का किनारा है, ये तमाम ढेर सारी नाव है। ये देखिए समंदर का किनारा है, ये देखिए, और ये देखिए नाव, बाप रे बाप कितनी बड़ी बड़ी नाव है। बारिश भी हो रही है इसलिए बीच में शायद थोड़ा छतरी आपको दिखाई पड़ रही है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाव ऐसे रखी हुई है, देखिए देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाव किस तरह से यहाँ पर ढक के रख दी गई है। क्योंकि जैसे ही जून से सरकार का आदेश आता है कि कोई मछुआरा समंदर के किनारे ना जाए, चार महीने के आसपास के लिए जो सारी नाव जो है किनारे में रख दी जाती हैं और मछली पकड़ने का काम जो है बंद हो जाता है, मछली पकड़ने का काम भी बंद हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश आ गई है, ऐसे बारिश चल रही है, मुझे भी किनारा पकड़ना पड़ेगा नहीं तो भीग जाऊंगा। ये देखिए कितनी बड़ी नाव, ऐसी मतलब लाखों की तादाद में ढेर सारी नाव है। देखिए उधर भी कुछ नाव रखी हैं, झूम करके दिखाते हैं एक मिनट। ये देखिए है ना, ये है समंदर किनारा। काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, मैं आगे तक जाने वाला था लेकिन बारिश के कारण शायद मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, कुछ नाव का अंदरूनी काम भी चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, चालू रखेगा, हाँ दिखाता आपको सब। हाँ देखते हैं जैसा भी रहेगा तो आपको दिखाता हूँ सर। जंगल है, जहाँ तक निगाहें जाएंगी समंदर का किनारा और नाव। ये देखिए कितनी सारी नाव रखी हुई है, बहुत तेज़ बारिश भी आ रही है और हवाएं भी बड़ी तेज़ चल रही हैं। फ़िलहाल मैं अपने इस कारवा को यहीं रोकता हूँ। देखिए कितनी सारी नाव ऐसे खड़ी हुई है, कैसी लहरा रही है। वो आगे तक देखिए, उधर नाव है, फिर उधर नाव है, फिर और आगे जाएंगे तो समंदर है, नाव है, मतलब करोड़ों की तादाद में आपको दिखाई पड़ेगी नाव। फिलहाल मैं अपने कारवा को यहीं स्थगित करता हूँ।